जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 1284 पोस्टों का फाइनली एडमिट कार्ड आ चुका है। मैंने आप सबको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिया है। अब मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एडमिट कार्ड आया हुआ है उस एडमिट कार्ड में नीचे डॉक्यूमेंट लिखा गया है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और कौन कौन बातों को आपको ध्यान में रख के भर्ती देखने जाना है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल रहने वाली है, वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि 22 मई 2023 से आप सभी का फिजिकल बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको फिजिकल सेंटर से लाइव जानकारी देने वाला हूं, तो इसलिए आप सभी चैनल साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं चलता हूं एडमिट कार्ड सेक्शन पर, यहां पर मैं एडमिट कार्ड को ओपन कर लेता हूं, वहीं से आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं। और ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है? तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, मैं एक्शन बटन पर क्लिक करता हूं, यहां पर प्रिंट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप सभी किसी भी प्रकार से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है? देखिए, यहां पे कहीं भी प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आप सभी को अपने नजदीकी साइबर कैफे पे जाना है, वहां पर आप सभी को 10 रुपए देकर अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। और भी आप सभी चाहे कलर निकलवाएं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर कोई भी अलग से कुछ यहां पर नहीं मांगा गया है, ठीक है? अब बात यहां पर आती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप सबको ले जाना यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या बोला गया साफ साफ, और मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं आप सबको फ्यूचर में भी इस तरीके से अपडेट हमेशा देता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। देखिए यहां पे क्या क्या बताया गया है, ये जो सेंटर है यहां पे बोला गया है, देख सकते हो, तो यहां पे लिखा गया है 25 बटालियन बीएसएफ नजफगढ़ रोड छावला कैंप नई दिल्ली 11-00-07-1 बोर्ड फर्स्ट, ठीक है? और यहां बोला गया है 22/5/2023 को यहां पर रिपोर्ट करना है, और भी 5:30 पर, ठीक है? 5:30 पर रिपोर्ट करना है। अब देखिए यहां पर क्या क्या बातें बोली गई हैं, आप सभी ध्यान से देखिए देखिएगा इस वीडियो को। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र और वैध पहचान प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मतलब आप सभी को यहां पर एक एडमिट कार्ड बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ले जाना है, और साथ ही अगर बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी हो, आप सभी एक डॉक्यूमेंट आपके साथ में लेकर जाना है, ठीक है? उसके बाद बात है यहां पर दूसरा वाला, उम्मीदवार को भर्ती स्थल पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर बोला गया है 5:30, तो 5:30 पर भी आपको यहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको बता दें मेरे दोस्त, देखिए उम्मीदवार को अपने खर्च और जोखिम का चयन परीक्षा में शामिल होना होगा, ठीक है? मतलब अपने ही खर्चे के, अपने ही मतलब खर्चा पानी अपना ही करके जाना है आपको भर्ती में देखने, ठीक है? वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का आपको TA DA नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और यहाँ बोला गया यात्रा के दौरान और परीक्षण के लिए परीक्षा केंद्र पर रुकने की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी चोट या स्वास्थ्य संबंधी खतरे आदि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको चोट वगैरह लगता है तो इसमें विभाग कोई भी इसके जिम्मेदारी नहीं लेती, ठीक है? और यहाँ पे 5वां नंबर बोला गया है, आपको आय ऊंचाई और आयु में छूट के लिए विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों की विविधत स्वसत्यापित और प्रशंसा पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जिनको भी एज में छूट चाहिए या भी हाइट चेस्ट वेट में छूट चाहिए, उन सभी को अपना यहाँ पे कार्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और EWS वालों को अपना EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना है। यहाँ बोला गया उम्मीदवारों को लगभग रहने के लिए विविध तैयार होकर आना है। चयन प्रक्रिया के ठहरने, मतलब कि आपका भर्ती जो है यहाँ पे बोला गया है 1 से 2 दिन लग सकता है, इसलिए आप सभी अपने ठहरने की व्यवस्था पहले से ही अपने घर से ही करके आना, ठीक है? और यहाँ बोला गया PET PST जैसी किसी भी घटना में असफल होने पर चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारी समाप्त तो हो जाएगी। आपका यहाँ पे PET PST होने वाला है, यानी रनिंग हाइट चेस्ट वेट होने वाला है। अगर आप सभी किसी भी एक भी स्टेप में अगर आप सभी यहाँ पे असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आपको बता दें आप सभी रनिंग वगैरह बहुत हिसाब से करना। यहाँ बोला जा रहा है उपरोक्त परीक्षाओं के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों को उपस्थित होने के लिए तैयार किया गया यह प्रवेश पत्र पूरी तरह से अनंतिम है। मतलब अंतिम प्रवेश पत्र यही है पहले स्टेप के लिए, ठीक है? यदि बाद में यह पाया जाता है कि आप उपरोक्त पात्रता शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब ये जो बोला गया है, जितने डॉक्यूमेंट आपको बताया गया सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। अगर आप सभी कुछ भी गलती इसमें करते हो, नहीं ले जाते हो, तो आपकी उम्मीदवारी यहीं पर रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? और इस तरह के रद्दीकरण के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी विचार नहीं किया जाएगा, कोई विचार नहीं किया जाएगा, सीधे आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? यहाँ बोला गया किसी भी रूप में प्रचार करना या बाहरी प्रभाव लाना उम्मीदवारों को भर्ती पर प्रक्रिया में उपस्थित होने के आयोग घोषित कर देगी। मतलब आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रचार वगैरह नहीं करना है, शांति से आपको जाकर अपनी भर्ती देख कर आना है, ठीक है? और यहाँ पर बता दें दलाल के झांचों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है? भर्ती में साफ साफ यह बोला जाता है। और यहाँ पर देखें मेरे दोस्त, काफ़ी बार इसको लेकर परेशान है कि 0530 ये क्या लिखा गया है, तो आपको बता दें मेरे दोस्त ये यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे ये है, इसका मतलब ये है कि 5:30, यानी 5:30 पर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है, देखिए साफ साफ, कि 22/5/2023, ठीक है, 22/5/2023 का यहाँ पे ये आपका फिजिकल का डेट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, ये आपका फिजिकल सेंटर यहाँ पे बताया गया है। तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल में क्या होने वाला है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपके फिजिकल में साफ साफ अगर यहाँ पे बात करें तो आप सभी का सबसे पहले यहाँ पे रनिंग होगी, ठीक है। रनिंग यहाँ पे मेल का होने वाला है 5 किलोमीटर, और जो कि आप सभी को यहाँ पर अगर बात करें तो 5 किलोमीटर जो रनिंग है वो 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। 5 किलोमीटर की रनिंग जो है वो आपको 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। और अभी अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप सभी का यहाँ पे जो हाइट लगने वाला है वो 165 लगने वाला मेल का। अगर चेस्ट की बात करें तो आप सबका यहाँ पे 77 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद आप सभी का यहाँ पे 82 चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है। अभी बात आती है यहाँ पे कि आप सभी हमको ये बता दीजिए कि यहाँ पर फीमेल का क्या लगने वाला है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे फीमेल का रनिंग होने वाला है 2.4 किलोमीटर, यानी 2.4 किलोमीटर रनिंग होने वाला है, जो कि 18 मिनट के अंदर फीमेल को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो आप सभी के जब इतना रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो आप सब, तो फीमेल का यहाँ पे होने वाला है हाइट, जो कि हाइट यहाँ पे 155 मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो वेट, जब बात आती है तो यहाँ पे मेल का जो वेट है वो 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, ओवर वेट कितना भी हो चल जाएगा। और फीमेल का यहाँ पे 40 kg से कम वेट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी है, तो इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।